ये डब्बा है। ओ यहां तो डब्बा ही नहीं। हाँ चलो जल्दी करो सामान अंदर डालो हरी आप। ए तुम कहां जाता है बाहर आओ इडियट। सब पैसा हमारे पास 100 रुपए का नोट है चिल्लर है। ये तो 1 रुपए का नोट है। ओ कोई बात नहीं कल आना। आप भी इस्तेमाल करिए बहुत काम की चीज है। ये मैंने हवाई जहाज में सीखा है वहां कानों में हवा भर जाती है और यहां कोयला। लीजिए शॉप फरमाइए लीजिए लीजिए। साईं अपना अखबार पढ़िए। अकेले ही जा रही हूं। कोई साथ है। शुक्रिया। कहां तक जा रही हैं? नासिक। अच्छा अच्छा आप वहां रहती? वहां काम करती हूँ भारतीय नृत्यशाला में नाच सिखाती हूँ। ओ आप नाच सिखाती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम क्या है? कलावती। मेरा नाम प्यारे मेरा मतलब है मिस्टर प्यारे नाम। लेकिन मेरे यार दोस्त मेरे चाहने वाले मुझे प्यार से प्यारे कहते। प्यारे प्यारे क्या काम करते हो तुम? मैं कुछ नहीं करता बिल्कुल कुछ नहीं करता। मैं तो घर का रईस हूँ। कुछ करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए मेरी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है। तो समझिए आप नहीं समझे आप यही तो मुसीबत है। मेरे घर वाले भी नहीं समझते इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर सका। देश के लाखों करोड़ों नौजवान ये नहीं समझ सके कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपकी बात और आपकी इन खूबसूरत अदाओं से लगता है कि आप सिर्फ नृत्य कला के लिए ही पैदा हुई और मैं कला का पुजारी हूं। वाह 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 आप ये संतरे जैसी आंखें ये सुराईदार होंठ वाह। एक कतपुड़ी आ गया और वो चढ़ी कपड़ खाने वाला नहीं लेके आया खाना। खाना मिस कलावती कलावती। ओह वन एंड द सेम थिंग। मैं खाने का ऑर्डर देना ही भूल गया था। रिफ्रेशमेंट रूम में चलकर खाएंगे यहाँ आते आते ठंडा हो जाता है। ओके ओके आइए आइए। हेलो हेलो हेलो। ओ आइए आइए बैठिए बैठिए सिट डाउन। थैंक यू बॉय बेरा बटलर। श्योर मत हो जाइए लोग क्या कहेंगे। देर हो रही है बॉय बेरा। आप आराम से बैठिए ना अभी हमारी गाड़ी छूटने में बहुत वक्त है। बोलिए साहब हम यहाँ बोलने के लिए नहीं खाने के लिए आए हैं। पर साहब बोले बगैर खाना कहाँ से मिलेगा? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी शाकाहारी मटन स्पेशल मटन फ्राई मटन मसाला मटन कुरमा मटन कीमा या कोका कोला। साहब के लिए आलू मटर
बिरयानी और गरम गरम फुलके। और मेम साहब आपके लिए? कहिए ना, मैं क्या खाऊं? मेम साहब वही खाएगा जो हम खाएगा। अच्छा साहब, मेम साहब। और देखो इधर आओ, इधर आओ, और हमारे लिए गरम गरम चटनी लाना। देखिए साहब, आपको जो कुछ कहना हो एक बार कह डालिए, मुझे बहुत काम है। ओके ओके, हमारे लिए गरम गरम चटनी लाना, ठीक है? गरम गरम चटनी। हरी आप, हरी आप। अरे बड़ी पापड़ किधर है? लाता हूँ साहब। जल्दी करो। वेरी गुड फूड। गाड़ी छूट रही है। हमारी गाड़ी नहीं, बंबई जाने वाली गाड़ी के लिए। ओह थैंक गॉड, मैं डर गया था। साहब कहाँ जा रहे हैं आप? जहन डब्बे। साहब खाली पीली गरम काय को होते हो? वो तो कलकत्ता एक्सप्रेस जा रही थी, इसलिए मैंने पूछा। साहब बिल नेम साहब से ले लो। नेम साहब तो चली गई सर। चली गई 8 रुपए साहब। ये लो 10 रुपए। मेरा सामान, गाड़ी रोको। स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर। उस कमरे में। अरे सर, मे आई कम इन? स्टेशन मास्टर साहब। क्या? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ? ट्रेन चली गई। ट्रेन चली गई? ट्रेन को तो जा नहीं था। और मेरा सामान भी चला गया। ये देखिए टिकट, ये आपकी कौन सी पुरी है? इगतपुरी। मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। आप फिक्र ना कीजिए, मैं अभी टेलीफोन पर कह देता हूँ कि अगले स्टेशन पर आपका सामान उतार लें। सामान वहाँ, मैं यहाँ। अगली ट्रेन से आपको भी भेज दिया जाएगा। अच्छा, धन्यवाद। नासिक? यस। हाँ हाँ, गाड़ी पहुंचते ही सामान हम उतरवा लेंगे। क्या कहा? मिस्टर प्यारेलाल, फर्स्ट क्लास बी कंपार्टमेंट। इस डब्बे में सफर कर रहे थे? एक लड़की थी जो इगतपुरी स्टेशन पर उतर गई होगी। उसका टिकट ही इगतपुरी तक का था। और एक साहब जिनका नाम प्यारेलाल। प्यारेलाल जो इगतपुरी स्टेशन पर ट्रेन मिस कर गए, जिनके सामान के लिए हमें टेलीफोन आया था। ओ आई सी। यस। क्या? हाँ मिस्टर प्यारेलाल, हाँ वो यही है।
अच्छा अच्छा उस आदमी पर निगरानी रखना, लेकिन उसे मालूम ना होने पाए। साहब माचिस है जी, मैं बीड़ी नहीं पीता। मुलाचे संगोपन उत्तम होते, माताचे आरोग्य उत्तम राहते, छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब। सुनिए, ट्रेन कब आने वाली है? कभी आने वाली है। कोई मेरा सामान लाओ, एक चालू चाहिए ना। आप स्टेशन मास्टर हैं? जी हाँ। मैं प्यारे लाल हूँ, लाइए मेरा सामान। ओ, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आइए चलिए आइए। ओ, मिल गया मेरा सामान, ये थैंक यू। और ये खामोश, तुम समझते हो तुम्हारी बातों पर यकीन करके हम तुम्हें छोड़ देंगे? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं बोलता हूँ तो आप कहते हैं खामोश, मैं खामोश रहता हूँ तो आप बोलते हैं ऊंचा बोलो, मैं सोता हूँ तो आप बोलते हैं जागते रहो, दिस इज माय ऑर्डर। मैं कातिल नहीं हूँ, मैं खूनी नहीं हूँ। अगर ये खून तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? और जब तुम इगतपुरी स्टेशन पर खाना खाने के लिए उतरे तो क्या कंपार्टमेंट में कोई और भी था? सेठ जी जिंदा है मुर्दा? भोजन कर रहे थे, भोजन। तुम रिफ्रेशमेंट रूम में किस लिए गए थे? खाना खाने के लिए, हर इंसान को भूख लगती है। खाना कंपार्टमेंट में भी आ सकता था, तो रिफ्रेशमेंट रूम में जाने की वजह? एक लड़की। ओ यस सर, कंपार्टमेंट में एक लड़की थी, कहने लगी कि भोजन वहीं करेंगे। तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? नहीं सर, पहली मुलाकात थी। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, वो शर्माई, मैं जरा ज्यादा शर्माया। उसके बाद हमारी आपस में गुफ्तगू हुई, उसने मुझे प्यार से नागपुरी संतरा दिया और फिर हम दोनों खाना खाने के लिए रिफ्रेशमेंट रूम में चले गए। उसके बाद सर वो लड़की वहां से अचानक गायब हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन चलने से पहले लड़की अपने कंपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। सर मुझे मालूम नहीं। तो फिर किसे मालूम है? सर मुझे मालूम नहीं, मैं हाथ धो के मुड़ा तो लड़की वहां से जा चुकी थी। दौड़ के प्लेटफॉर्म पे पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। क्या नाम बता? प्यारे लाल। प्यारे लाल जी, अगर 20-25 लड़कियां तुम्हें दिखा दी जाए तो क्या तुम उस लड़की को पहचान सकते हो? सर 20-25 तो क्या, कलावती को मैं लाखों में पहचान लूं। कलावती? हाँ सर, उसने मुझे अपना पता भी दिया है। इसी शहर में भारतीय नृत्यशाला में नाच सिखाती है।
आई थिंक शी इज टीचिंग तांडव नृत्य। जय लाल जी, हो सकता है ये खून आपने न किया हो। मैंने अगर खून नहीं किया तो मुझे जाने दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्वेस्टिगेशन। जय लाल जी, जब तक हमें मिस कलावती का पता नहीं चलता हम आपको नहीं छोड़ सकते। और फिर जो एड्रेस आपने बताया वहां चलेंगे साथ में। साथ में सर? साथ में। भारतीय नृत्यशाला मिल गया, चलो जल्दी करो। चपड़ासी महाशय। कौन चाहिए जी? यहाँ पर कोई मिस कलावती है? हाँ जी, वो यहाँ नाच सिखाती है। वेरी गुड, ठीक है, हमें उन्हीं से काम है, जल्दी मिलवा दीजिए। वो अभी रिहर्सल करवा रही है, थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा। ठीक है, हम बैठेंगे। आप बैठिए, आप बैठ जाए। आप तो? मेरा नाम कलावती है, कहिए क्या काम है? घर पर हो गई, ये वो लड़की नहीं है। यहाँ पर कोई और कलावती है? जी नहीं, सिर्फ मैं हूँ। माफ कीजिए, नाम से धोखा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने तुम्हें अपना नाम और पता गलत बताया। रेलवे रिजर्वेशन के मुताबिक उसका नाम गीता है और उसका टिकट इगतपुरी तक का था। लेकिन मेरे साथ धोखा करने से उसको फायदा? सेठ पेशुमल के कत्ल से इस लड़की का जरूर कोई ना कोई ताल्लुक है, इसलिए वो नहीं चाहती कि तुम्हें मालूम हो उसका असली नाम या पता। कमाल है, इतनी खूबसूरत लड़की मगर ऐसी खतरनाक और चालाक। प्यारे, जब तक उस लड़की का पता नहीं चलता तुम मेरे साथ रहोगे, क्योंकि लड़की को सिर्फ तुम ही पहचानते। इसका मतलब यह है मैं तुम्हारा कैदी हूँ? कैदी नहीं, मेरे साथी। आपका साथी? साथी जी, मैं आपके साथ घूम घूम के तंग आ गया हूँ। बात यह है मेरे यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनको मिलने जा सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जा सकते हो, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। हाँ, और ये गाड़ी तुम्हें ले जाएगी और ये गाड़ी तुम वापस ले आएगी। नहीं नहीं, मैं पुलिस की गाड़ी में जाऊंगा, मेरे रिश्तेदार लोग ये सोचेंगे मैं कोई चोर उचक्का हूँ, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। आपको मुझ पर भरोसा है ना? हाँ हाँ, भरोसा क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें टैक्सी तक छोड़ आता हूँ। ये 30 रुपए लो, और चाहिए होंगे तो बाद में मिल जाएंगे। इतने पैसे 10 ही काफी हैं। थैंक यू। टैक्सी मीटर डाउन कराओ, कम ऑन हरी, आज जल्दी करो। आई मीन हरी, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ओह नो, आई डोंट वांट। ए टांगा, मीटर डाउन कराओ, चलो जल्दी कराओ, हरी अप, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। इस पे नजर रखना। बनाए तूने? 3। अरे तू तो मेरे से बहुत ही पीछे है, क्या फैमिली प्लानिंग बनाने का इरादा है? मेरे यहाँ
मेरे यहाँ तो भगवान की देन से पूरे सात हैं और आठवां आने वाला है। माता जी मुझे भी अपना बच्चा समझ लीजिए, लेकिन मुझे फोन तो करने दीजिए। शर्म नहीं आती जवान औरतों को माँ बोलते हुए? अरे माँ होगी तो बुट्टी खड़ी, चल दफा उधर से। मैं जरा टेलीफोन कर लूं। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर श्याम को फोन दीजिए, जल्दी करिए जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर श्याम, मैं प्यारे लाल बोल रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, अरे भाई टेलीफोन से बोल रहा हूँ और क्या। देखो जिस लड़की की हमें तलाश है ना वो यहीं है। हाँ हाँ, मैं भारत टूरिस्ट लॉज की नुक्कड़ पर जो पहली गली है ना, तुम्हारा वहां इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आओ फौरन आओ। कितने पैसे हुए? कितने रुपये? मजा आ गया, थैंक यू फॉर कमिंग इंस्पेक्टर श्याम। मैं क्या बोलता था, ये लड़की मुझसे बच के कहां जाएगी? देखा पकड़ लिया। अरे लड़कियां, तूने उसे इसी कमरे में आते हुए देखा था? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसी कमरा नंबर 8 में जाते हुए। तो लड़की कहां गई? पता नहीं कहां गई, उसने हमें फिर उल्लू बनाया। अरे क्या हो गया, कहां जल्दी है? अभी अभी कमरा नंबर 8 में कौन था? मिस प्रभावती। प्रभावती? लेकिन उसने तो अपना नाम लेकिन इस वक्त कमरे में नहीं है। कुछ ही देर पहले स्टेशन पर गई हैं और अभी अभी कलकत्ता एक्सप्रेस से मुंबई जा रही हैं। थैंक यू। गाड़ी लेकर इगतपुरी स्टेशन पर मिलो।
पता नहीं कहां छिप गई है। लड़की तो नहीं मिली। तुम्हें मुंबई जाना होगा। ओके कम ऑन लेट्स गो। इगतपुरी उतर गई हूँ, वो लोग बंबई पहुंच रहे हैं। चल चल, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता। चल, जब तक लड़की नहीं मिलती मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। यस प्लीज। कल जो लोग कलकत्ता एक्सप्रेस से गए थे मैं उनका रिजर्वेशन चार्ट देखना चाहता हूँ। बैठ लो। बी कंपार्टमेंट मिस्टर प्यारेलाल, बुकिंग प्यारेलाल। सेठ पेसुमल, बुकिंग मेहता एंड कंपनी ट्रेवल एजेंट्स। मिस गीता, बुकिंग मेहता एंड कंपनी ट्रेवल एजेंट्स। मेहता एंड कंपनी। जी हाँ, परसों हमने कलकत्ता एक्सप्रेस से दो सीटें बुक की। क्या जी? हाँ जी, नंबर वन पिसुमल लुधानी, उन्होंने बुकिंग होटल हिडटॉप से की है। क्या जी? हाँ जी, नंबर टू मिस गीता, बुकिंग उन्होंने खुद की है। पता है यंग गर्ल्स हॉस्टल बांद्रा 50। हाँ जी। हाँ जी, चलिए जी। हाँ शुक्रिया। तुम्हें सांस से समय निवेदन किया गया है कि कार्यालय में समय पे आया करो, परंतु। गुड इवनिंग मैडम। नमस्कार। परंतु लज्जा का विषय है कि विशुद्ध भारतीय होते हुए भी आंग्ल भाषा का प्रयोग करते हैं। आप कौन सी बोली बोल रही हैं? हे प्रभु, इन्हें क्षमा करो, ये अपनी संस्कृति और भाषा भी भूल गए हैं। कहिए, किस कार्य हेतु आपका आगमन हुआ है? हम कुमारी गीता से साक्षात्कार होना चाहते हैं। साक्षात्कार करना चाहते हैं। तुम जाओ। विराज जी, विराज जी, कौन सी गीता? विराज जी, ये सोए हैं क्या? कौन सी गीता? गीता कपूर, गीता खोसला, गीता पांडे, गीता वर्मा? किंतु महाशय, उनसे मिलने का कारण? हमारे यहाँ छह गीताएं हैं। क्या आप सबको यहाँ उपस्थित कर सकती? अवश्य। शीला, सब गीताओं को बुलाओ। नमस्ते। इनमें से तो हमारे काम की कोई गीता नहीं है। आप इन्हें जाने दीजिए। तुम सब जाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, लेकिन छठवीं गीता कहाँ है? छठी गीता मैं स्वयं हूँ। माता जी, आप? कोई छोटी गीता नहीं? जी हाँ, ऊपर मेरे कमरे में एक छोटी गीता है, भगवत गीता। कहे तो उसे भी उपस्थित करूं। नहीं नहीं, कष्ट मत कीजिए। एनीवे, गुड नाइट। अमर सुबह। Da 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 da
हेलो पुलिस हेडक्वार्टर्स, मैं इंस्पेक्टर शान बोल रहा हूँ। ओके कम इन। हाय हैंडसम। हाय लिले। पहले ये बताओ कहाँ थे तुम? एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था, लेकिन तुमसे किसने बताया मैं यहाँ? शमा को कोई ये बताता नहीं कि परवाना कहाँ है। जहाँ शमा होती है वहाँ परवाना खुद ब खुद चला आता है। अच्छा, लेकिन शाम तुम्हारा तो अपना घर है, होटल में क्यों ठहरे हो? तुम्हारे करीब रहने के लिए। मैं नहीं मानती। क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ कोई नाटक खेल रहे हो। विश्वास नहीं? तो कैसे विश्वास दिलाऊं? हमेशा मेरी नजरों के सामने रहकर। आज रात तो मेरे मेहमान हो। होटल में खास प्रोग्राम है और आज साल की आखिरी रात है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास हो और नया साल शुरू हो। मंजूर है। इंसान खाए बिना जी सकता है, सोए बिना जी सकता है, लेकिन कपड़ों के ये मेरे दोस्त हैं, इसी होटल में रहते हैं। चलो प्यारे मांग के छुपा, चलो बाहर निकलो। नहीं नहीं, मैं जमाने से बहुत शर्माता हूँ। क्यों, तुम लड़की हो? नहीं। लड़के हो? नहीं। तो फिर क्या? ओ नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। बात यह है मैं लड़कियों से बहुत घबराता हूँ। लेकिन ये तो मेरी दोस्त मिस लिली है, इनसे छुपने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम्हारी दोस्त को बोलो कि छिप जाए, मैं इनके सामने नंगा बाहर कैसे आ सकता हूँ? अच्छा अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय बाय। शाम अपना वादा मत भूलना, और हाँ अपने दोस्त को भी साथ ले आना। Why not? चली गई वापस। ये हुलिया क्या बना रखा? बात ये है मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, जल्दी में कपड़ों के समेत नहा लिया, अब पहनने के लिए ये सिर्फ तौलिया बाकी है, वो भी अपना नहीं है। अच्छा कुछ पैसे लो, दुकानें अभी तक खुली हैं, किसी को भेज के कपड़े मंगा लो। अच्छा। और सुनो जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे हॉल में जाना, बहुत से लोग आ रहे हैं, हो सकता है गीता भी आ जाए। मैं तो कपड़े पहन के सो जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है। सोने के लिए तौलिया काफी है। तो फिर तौलिए की भी क्या आवश्यकता है? हाँ, कोई आवश्यकता नहीं। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो गए। नहीं नहीं, मैं आऊंगा। अच्छा, मैं आऊंगा। बात समझते तो हो लेकिन जरा देर से। कोई बात नहीं। रीता, माय डार्लिंग, मुझे पसंद कम करो। ये क्या, ये रीता है या रावण? क्यों इस होटल में आए हो? मैं यहाँ सोने के लिए आया था। सच सच बताओ वरना गला बोल दूंगा। मैं एक खूनी को पहचानने के लिए आया हूँ, एक लड़की है गीता। तुमने अगर गीता को पहचानने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अगर जीना चाहते हो अभी इस होटल से शहर से चले जाओ। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा भाई बाप। अगर तुमने वैसा नहीं किया मुझे ऐसा करना पड़ेगा।
प्यारे 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 क्या बात है, तुम इतना घबराए हो क्यों? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। थोड़ी देर पहले नींद के मारे तुम्हारी आंखें भी नहीं खुल रही थी, और अब? मैं नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। ये मत भूलो तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बात कर रहे हो, और अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल भी भिजवा सकता हूँ। तुम मुझे जेल भिजवा दोगे, वो मुझे जान से मार डालेगा, मैं क्या करूँ क्या करूँ? कौन जान से मार डालेगा? जवाब दो, जवाब दो। मैं ताला खोल के अंदर आया, अंदर एक भयानक आदमी था, उसने मेरा गला घोटना चाहा और कहने लगा, अगर तुमने गीता को पहचानने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कमरे की चाबी कहाँ थी? मेरे पास थी। अगर तुम्हारे पास थी तो वो कमरे के अंदर कैसे आए? ये तो वही जाने। और उसने मुझे हुक्म दिया कि मैं इस होटल को छोड़ के शहर को छोड़ के फौरन चला जाऊं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कत्ल के पीछे गीता के अलावा कुछ और लोग भी हैं और ये होटल उनका अड्डा है। जानते हो जब हम लोग आ रहे थे हमारा पीछा कर रहे थे। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहोगे। मुझे डर लग रहा है। मैं जो हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें मेरा एतबार नहीं। चलो मेरे कमरे में ले साथ, तुम्हारा पजामा मुझे आ जाएगा। चलो कपड़े उतारे और सो जाओ। लेकिन मैं तो रात को पजामा पहन के सोता हूँ। मेरा नाइट सूट वहां पड़ा, ले लो। मैं आ गया। आओ सो जाओ। आप यहां सो जाइए, मैं वहां सो जाता हूं। मुझे तकिया दे दीजिए। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें शहर छोड़ने के लिए कहा था। जी हाँ। तुम्हें गए क्यों नहीं? आप यहाँ से छोड़े तो शहर छोड़ के जाऊं ना। फिक्र ना करो। थैंक यू। दो चार दिन भूखे प्यासे रहोगे तो दुनिया ही छोड़ जाओगे। तुमने इस आदमी पर कड़ी निगरानी रखना, इसे खाने पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। सत्तू भी नहीं मिलेगा। शट अप। संतरा और बेटा संतरा खाओ ट्रेन में। चले थे लड़की से प्यार करने प्यारे लाल जी, अब भगवान को प्यारे हो जाओगे। वहां बैठ के नागपुरी संतरे खाना। पानी पानी। अरे ये तो वही लड़की है जिसने ट्रेन में मुझे संतरा खिलाया था। मिल गई लड़की, मिल गई। इंस्पेक्टर शाम जल्दी हो, लड़की मिल गई। अब मुझसे बच के कहां जाओगी? मैं नहीं, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे हाथ से संतरा नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। शाम जल्दी हो, लड़की मिल गई। क्या कर रही हो? धोखा धोखा, एक शरीफ आदमी के साथ धोखा। अरे कहां से हो गया? मेरी छुट्टी करो। नहीं 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 प्यारे लाल जी, जब तक गीता और उसके बाकी साथी नहीं पकड़े जाते हैं तब तक तुम बंबई में रहोगे पुलिस की हिरासत में। बाहर जाने से हो सकता है कि वो लोग तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। कमाल है, मैं बंबई में कैसे रह सकता हूँ? न मेरे पास खाने के लिए कपड़े हैं, न पहनने के लिए पैसे हैं। नहीं नहीं, नहीं पहनने के लिए कपड़े दिए जाएंगे, खाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। बिल्कुल फिक्र मत करो, जितने पैसे चाहिए हमसे लो। अरे अरे ये तो वही लड़की है, यही गीता है। अरे घन चक्कर, तुझे तो हर लड़की गीता नजर आती है। अरे मैं कह रहा हूँ कि यही गीता है, इसी लड़की के लिए तुमने मुझे पागल बना रखा है। लड़की बगल में और शहर में ढिंढोरा। क्या रे, अच्छी तरह देखो इस तस्वीर की तरफ। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मालूम होता है कि तुम भी उन बदमाशों के साथ मिले हो। मैं तुमको पुलिस कमिश्नर के हवाले कर दूंगा। तुम्हें यकीन है कि यही गीता है? मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ कि यही गीता है, यही गीता है, यही गीता है। Good show, pretty girls. Good morning, sir. Good morning to you. Good morning. आपका फोन आते ही होटल का बेहतरीन कमरा मैंने आपके लिए तैयार करवा दिया। Thank you very much.
सुनिए, यहाँ किसी किस्म का खतरा तो नहीं है। हमारे पास बहुत कीमती सामान है। क्या है हमारे पास? बहुत कीमती सामान, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस होटल को अपने घर की तरह समझिए। I will. Thank you. आप यहाँ साइन कर दीजिए, बाकी सब हम भर लेंगे। All right, all right. Lord Ganga Singh. Excuse me, sir. कहाँ के लॉर्ड हैं आप? है नहीं, किसी जमाने में थे लैंड लॉर्ड। लैंड यानी कि जमीन जो हमारी चली गई, अब हम सिर्फ लॉर्ड रह गए। क्या रह गए? लॉर्ड, गे लॉर्ड। आइए बेटा, साहब का सामान कमरे में पहुंचा दो। मेरे लायक और कोई सेवा हो तो आप फौरन हुक्म कर सकते हैं। कोई खास सेवा नहीं, सॉरी, हम यहाँ सिर्फ एक आध दिन के लिए आए हैं। कुछ डायमंड्स हैं हमारे पास। क्या है? डायमंड्स, जो हम बेचना चाहते हैं। यहाँ हीरे जवाहरात के जो बड़े व्यापारी हैं, उनमें से किसी का नाम बता सकते हैं आप? हीरों के सबसे बड़े व्यापारी को मैं आपके पास हाजिर किया देता हूँ। लेकिन एक बात है, पैसे हम ब्लैक में लेते हैं। किस में लेते हैं? ब्लैक में। वो तो आप खुद बात कर सकते हैं, मैं उसे आपके पास भिजवा दूंगा, वो ना नहीं करेगा आपको। ठीक है, कल शाम को 4 बजे आप उनको मेरे पास भिजवा दीजिए, और कल कलकत्ता एक्सप्रेस से एक फर्स्ट क्लास का टिकट मेरे लिए मंगवा दीजिए फॉर कलकत्ता। जैसा हो। और देखिए, इन बैग्स में बड़े कीमती डायमंड्स हैं, इनका कमरे में रहना ठीक है? आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, इसे अपने घर की तरह समझिए। ओके। वाह वाह, क्या नायाब हीरा है! वाह वल्लाह हुजूर, लाख लाख रुपए का है, बाजार में बिकेगा तो 2-2 लाख का। कितने का? 2-2 लाख का। जी हाँ, अब बाकी हीरे बक्से में पड़े हैं। कहाँ पड़े हैं? बक्से में। मगर मुझे इतने ही हीरे चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये देखिए, ये इतने ही रुपए हैं। ये देखिए, जितने भी रुपए हैं चलेंगे। क्या चलेंगे? रुपए। लेकिन मैं रसीद नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? रसीद। अरे गोली मारिए रसीद को, मुझे तो आपका प्रेम चाहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जय राधे कृष्ण। क्या कहा? जय राधे कृष्ण। जय राधे कृष्ण, जय राधे कृष्ण। ये लीजिए सरकार, आपकी ट्रेन कट गई। आपका सारा काम ठीक हो गया ना? वेल, अभी सारा काम तो ठीक नहीं हुआ, सिर्फ 5-6 हीरों के रुपए थे उसके पास। अभी हमारे पास बहुत सारे हीरे बाकी हैं, पर इट्स ऑल राइट, 5-6 महीनों के लिए बहुत रुपया है हमारे पास, बाद में देखा जाएगा। जी बाय द वे, प्लीज कीप माय बिल रेडी, मैं भी नीचे आता हूं, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। जी गलती आप बार बार कर सकते। इंसान अपने दिल में एक तस्वीर लिए फिरता है जिसे वो बहुत चाहता है, और अचानक जब वो सूरत उसके सामने आती है तो उसे ऐसे लगता है कि एक दूसरे को बरसों से जानते हैं, लेकिन नाम याद नहीं। माय नेम इज प्रिया। माय नेम इज
मिस प्रिया। जस्ट प्रिया। प्रिया, हम लोगों ने तो खाने का ऑर्डर ही नहीं किया है। रिफ्रेशमेंट रूम में चलकर ही खाते हैं, यहाँ आते आते ठंडा हो जाएगा। करेक्ट, कम ऑन कम ऑन। हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं, मेरा सामान का ख्याल रखिए। शॉप से जाइए, मैं जरूर रखूंगा। श्याम बेटा, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। पिताजी, जो वचन अनीता को दिया था मैंने पूरा किया। बेटा, ये भी तो तुम्हारा फर्ज है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा श्याम भैया, मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन जाने वाली है। मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में आ गई कि ट्रेन में किसी अजनबी लड़की के हाथ से संतरा नहीं खाना। और तुम भी नहीं खाना, लेकिन आप खा सकती हैं नागपुरी संतरा। लीजिए लीजिए। ओके, बाय 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 बाय।